मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बचपन से लेके प्राइम मिनिस्टर बनने तक जो संघर्ष किया है, जिस मेहनत इंडिया बना है और जो उसके दिल में एक ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान को कैसे ग्रेटर इंडिया देखा जाए, और इसी तरह अमीर मुश्ताक साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मोदी जी के जितने भी स्कीम्स है उनको सहराते हुए यही कहा कि बात करें 100 डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की। आवाम, एजुकेटेड यूथ, हर सेक्शन को आगे करने की अगर बात की जाए या डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाले समय में तो 17 से लेकर जो 2 का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद बहुत बड़ा कन्वेंशन पार्टी की ओर से, जो इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ पर बैठा है, इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये समझने के लिए मोदी जी ने अपने मिशा कोई अमीर घराने से नहीं है कि फैमिली से नहीं है, वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति था जिसके दिल में एक आवाज थी कि अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों को मदद कैसे किया जाए। चीफ मिनिस्टर देके वहां के लोगों को मदद किया, और उससे बाद ही तरह 2014 में भारतीय जनता में ये नारा गूंज उठा, लोगों ने विश्वास किया पीएम मोदी पे और चीफ मिनिस्टर बना के दिया 1 करोड़ 100। और उसके साथ साथ 2014 से लेके पता चला, आम जनता को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा में आज का जो प्रोग्राम था वो इंटेलेक्चुअल मीट एंड सेमिनार मोदी एट द रेट ऑफ 20 ड्रीम डिलीवरी, और जो इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे थे 100-150 के संख्या में, तो जब मैंने उनकी बात सुनी है, उन्होंने जो इंटरेक्शन यहाँ पे किया, वाकई मेरा दिल खुश हुआ आज इस आड़ीपुर की सरजमीन पे यहाँ के लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने सराहाया किस तरह मोदी जी ने बचपन से लेके जब वो चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर के बाद 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना, एक डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ उसने एक ड्रीम देखा है, सपना देखा है। यही क्या मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान करप्शन फ्री हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन आए, पूरे हिंदुस्तान एक डिफेंस के माध्यम से सक्षम रहे, और उसके साथ साथ जो सपना अभी भी अधूरा है वो है कि हिंदुस्तान को सुपर पावर कैसे देखा जाए, उस चीज को आगे लेने के लिए हमें 1 करोड़